मैं हमेशा एक कहानी बताता हूँ लोगों को कि सर व्हाट द पॉजिटिविटी मींस, पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है। और शायद ये स्टोरी ऐसी है कि मैं इसको बार बार बताने में झिझक फील नहीं करता हूँ। द रीजन इज ऑल अबाउट, क्योंकि एक ऐसा सत्य है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। ये सत्य वो है सर कि एक बच्चा होता है जो कि कहीं ना कहीं बेसिक क्लास में स्टडी कर रहा होता है, और वो बच्चा जब फाइनली अपने स्कूल से निकाला जाता है, बहरहाल उसे बच्चे को नहीं पता है, वो अभी चौथी पांचवी क्लास का बच्चा है, तो बच्चे को सर नहीं पता होता कि उसे क्या किया जा रहा है। उसे स्कूल से एक लेटर दिया जाता है, और वो लेटर मैम बच्चे को स्कूल में देने के बाद बोलती है कि बेटा आपको सीधा जो है अपने मॉम के पास जाना है। वो बच्चा उस लेटर को लेता है और बहुत मुस्कुराते हुए, क्योंकि स्कूल से पहले उसको छोड़ दिया जाता है, तो बच्चा होता है, वो बिल्कुल खुशी खुशी दौड़ के आता है, मॉम को लेटर देता है कि मॉम ये मैम ने लेटर दिया है और उन्होंने कहा कि आपको देना है। फिर मॉम उस लेटर को ओपन करती हैं और पढ़ती हैं। पढ़ने के बाद उनकी आंखों में थोड़ी सी नमी जरूर आती है, बट वो मुस्कुराते हुए बोलती हैं, क्योंकि बच्चा प्रश्न कर बैठता है कि मम्मा इसमें लिखा क्या है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है कि तुम अगर घर पे भी रह के पढ़ाई करो तो तुम कई एग्जाम टॉप कर सकते हो, तुम्हारा इतनी क्रिएटिविटी है बेटा कि हर प्रैक्टिकल तुम घर पे कर सकते हो और कुछ बेहतर बना सकते हो। समय बीतता गया सर, समय बीतता गया, और समय बीत करके एक दिन वो बच्चा बड़ा हुआ सर, और वो बच्चा बड़ा हुआ सर और इस दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। और वो साइंटिस्ट जब बड़ा होता है और एक दिन अपना घर शिफ्ट कर रहा होता है, तो फाइनली उसको एक पुराना सूटकेस दिखता है जो उसके मॉम का होता है, अब वो एक्सपायर कर चुकी हैं। जब वो सूटकेस को खोलते हैं तो उनको वो पुराना लेटर दिखाई देता है, और उस लेटर में लिखा होता है कि आपका बच्चा किसी काम का नहीं है, ये आधा दिमाग का पागल है, ये मालूम नहीं क्या बोलता है और क्या करता है, ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, इसको घर पे रखिए आप। और उस चीज़ को पढ़ करके थॉमस अल्वा एडिसन साहब के आँख में आंसू आ जाता है। तो सर एक मॉम की पॉजिटिविटी ने उसको थॉमस अल्वा एडिसन इस दुनिया को दे दिया सर। तो पॉइंट, वेरी इजी इन द वर्ल्ड टू फाइंड द नेगेटिविटी इन द पीपल, ये तो दुनिया का सबसे आसान काम है कि दुनिया में हम नेगेटिविटी तलाशते फिरते हैं, तलाशना उस पॉजिटिविटी को है जो इनके अंदर है, कमाल के हैं, बस थोड़ा सा डाइवर्जन है। ये 11 12th की उम्र भी कमाल की है, शायद मेरे साथ भी ऐसा था। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई रिमेंबर द टाइम की 11 12th अलग तरह का ही वर्जन रहता था, अलग तरह का इमेजिनेशन, रोज नई नई प्लानिंग्स। और ये हम भूल जाते थे कि जिंदगी में हार्ड वर्क का, पढ़ाई का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैं थैंक्स हूँ उस स्ट्रॉन्ग गार्जियनशिप का जो मेरे को मिला, मैं थैंक्स करता हूँ उन गुरुओं का जिन्होंने मुझे सही दिशा दी। शायद उन दो साल के कॉन्सेंट्रेशन में कहीं भी कोई कमी कर दी होती तो जिंदगी किसी भी आयाम को न तय कर पाता और आज आपके सामने न खड़ा होता। इट्स ऑल अबाउट लॉट्स ऑफ गाइडेंस एंड पॉजिटिविटी टूडे आई एम हियर। और सर कहीं ना कहीं इनका भी वो समय स्टार्ट हो चुका है, वो प्रोजेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और ज़रूरी है कि आप भी इनके अंदर के पॉजिटिव फैक्टर्स को जगाएं। आई ऑलवेज से कि प्रेज द चाइल्ड, कि बच्चों को प्रेज करना है, पर ध्यान दीजिए कि बच्चे को प्रेज नहीं करना है सर, उसके वर्क को प्रेज करना है। हम गलतियां जो कर जाते हैं अमूमन ये कि हम उसको बखानने में लग जाते हैं, उसको बखानना ही नहीं है। अगर बखानने की इच्छा है आपका, उसको कुछ आपको प्रेज करने का, उसको प्रशंसा करने का आपको इच्छा है, तो जो उसने वर्क किया, जो कार्य किया, उसकी प्रशंसा करिए। अगर आज उसने एग्जाम टॉप किया है तो गिव हिम अ रियल रीजन। जरूरत है आपको ये कहने की आज कि बेटा इसलिए तुमने एग्जाम टॉप किया क्योंकि तुमने अपनी राइटिंग में काफी इंप्रूवमेंट लाया है। आज तुमने इसलिए एग्जाम टॉप किया है क्योंकि तुमने जहां बेटा 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट रहते थे आज तुम 6-6 घंटे जम के पढ़ाई करते हो। आज तुमने बेटा जो एग्जाम टॉप किया है उसका वजह है कि सुबह जो तुम आधे घंटे उठ करके जाके वॉक करते थे उससे तुम्हारी बॉडी में एक फिटनेस आई, एक पॉजिटिविटी आई, और आपका दिमाग शार्पली काम करना स्टार्ट किया। तो जस्ट प्रेज, बट प्रेज द वर्क, बिकॉज ऑफ दैट ही गॉट समथिंग इन द लाइफ, जिस वजह से उसने जिंदगी में कुछ अचीव किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द वर्क एंड प्रेज इट सर। ये वर्क पे ही खुद को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो सर ये कंपेरिजन वैल्यू को हटाना है, एक कंपेरिजन समाज में श्राप की तरह है सर। इफ यू वन स्टॉप दैट, हमें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बीइंग अ पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या हो सर। हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी चीज़ यही नज़र आती है कि हमारा बच्चा हैप्पी हो।
जिस भी क्षेत्र को डिसाइड करे वो उसकी आत्मा से हो, उसमें उसका इंटरेस्ट आता हो। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रही, अगर वो हैप्पी नहीं है अपने प्रोफेशन से सर ना, तो सही नहीं है। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आगे कुछ भी बेहतर या चमत्कार केवल सोचने मात्र से नहीं होगा, बल्कि सच्चाई से ही बढ़ने पर किसी चीज़ को जीवन में पाया जा सकता है। तो सबसे अहम और सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है सर, वो यही है कि बच्चे के अंदर एक हैप्पीनेस का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में वो जो भी चीज़ें कर रहा है। और कमाल की बात है कि अगर आपके बच्चे यहाँ हैं और डिफेंस के लिए इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो वाकई में एक बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है आपके लिए, और कहीं ना कहीं खुश हैं सर। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं खुशी को सर कंटिन्यू रखना है, और वो कंटिन्यूएशन तभी होगा जब वो मोटिवेशनल सेगमेंट, वो मोटिवेशनल बातें आप क्रमशः अपने बच्चों से शेयर करते रहेंगे। दूसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ सर कि दुनिया में सबसे बड़ी कमाई आपकी हेल्थ है। अगर आपके पास एक बेहतर हेल्थ ना हो तो कुछ भी नहीं है। वी फील प्राउड सर कि जिस इंडस्ट्री का ये डिसीजन लेके बैठे हैं वहाँ पे सर हेल्थ तो सबसे अहम कड़ी है, जिसको इनको बेहतर करना ही करना है सर, उसका कोई भी अल्टरनेटिव जुगाड़ इनके पास नहीं है अगर ये सोच भी लें तो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सर मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, हेल्थ फ्रीकी होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को हेल्थ के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, हेल्थ के प्रति जुनून होना सही बात नहीं है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं दिशा आपकी बदल जाती है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद को फिट एंड फाइन रखना है, किसी बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी डेवलप करने की जरूरत नहीं है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी नीड इन अ चाइल्ड सर, उन्हें हमें हम्बल बनाना है सर। आई थिंक मुझे लगता है दुनिया में कृतज्ञता एक ऐसी बड़ी चीज़ है जिसका इस दुनिया में कोई मोल नहीं है। लाइक दिस इज द ग्रेट थिंग व्हाट वी हैव। इनको कृतज्ञता सर सिखानी पड़ेगी हर उस चीज़ को जो इन्हें जीवन में मिलती है। और मुझे लगता है कि जब इंसान किसी चीज़ को अर्न करता है ना, तो कृतज्ञ ऑटोमेटिक हो जाता है। और कृतज्ञता सर लानी होगी, इनमें हम्बलनेस का तो जन्म देना होगा, इन्हें फील करना होगा सर इस बात को। और शायद मैं बच्चा डायरेक्ट आपको बोलता हूँ हमेशा कि बीइंग अ पेरेंट्स दिन रात जान लगा करके, कितनी मेहनत करके कि आपको 1% कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना हो, एक फोन पे इतनी गर्मी में भागते हुए वहां से यहां तक आना। शायद मैं आपको बोलूं कि हाँ वहां पे हैं, आप भागते हुए जाए तो आपके 10 प्लानिंग हो सकती हैं, बट लिविंग ऑल द एस्पेक्ट बिहाइंड दे आर कमिंग टू यू। आपको बेटा इस चीज के लिए हमेशा कृतज्ञ रहना होगा अगर जिंदगी में आप कुछ बनना चाहते हैं, बिकॉज व्हाट द पेरेंट्स आर डूइंग फॉर यू, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं, शायद इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो यू नीड टू बी कृतज्ञ, इसके लिए आपको कृतज्ञ होने की बहुत जरूरत है अगर जिंदगी में कुछ बेहतर करना है। कृतज्ञता के साथ साथ सर बच्चों के अंदर एक ऑनेस्टी का जन्म होना बहुत जरूरी है सर। ऑनेस्टी हर बात को लेके, शायद सच बोलने की ताकत जीवन में एक ऐसी ताकत हो जो इनको जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। आज समाज का जो सबसे बड़ा खोखलापन है सर, वो यही है कि हम छोटा सा झूठ बोल करके जिंदगी को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, बट सर ये सच नहीं है। इससे जिंदगी सुरक्षित नहीं होती है, बल्कि बहुत बड़े स्तर पर असुरक्षित हो जाती है सर। ऑनेस्टी जन्म देनी है, सच बोलने से बड़ी चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेट थिंग, इससे बड़ी पावर, इससे बड़ा करेज, इससे बड़ा स्टेमिना किसी के पास है नहीं अगर किसी के पास सच की पावर है सर। तो जीवन में सिखाइए बेटा कि तुमने सही किया गलत किया नॉट मैटर, व्हाट यू डिड दैट इज ओके, बट यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद द एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्टेंस ही नहीं करेंगे सच्चाई का, तो कभी भी बेटरमेंट आपके लिए नहीं आएगा। और सर सबसे बड़ी चीज इसके साथ जो जरूरी है, जो पांचवी चीज मैं क्रम से बता रहा हूं आपको, इन्हें हैप्पी होना जरूरी है सर, इनका हेल्दी होना जरूरी है सर, इनका हम्बल होना जरूरी है, इनका ऑनेस्ट होना जरूरी है, और फाइनली इनकी हाई थिंकिंग का भी होना बहुत जरूरी है। इंसान की जैसी सोच होती है वैसी ही रीच होती है, और इस सोच को भी बढ़ाने में कहीं ना कहीं सर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आप हमेशा रखें। और इनकी हाई थिंकिंग का सर जन्म आपकी ही वजह से होगा, क्योंकि आप उस रेंज तक इनको विजुलाइज कराएंगे, इनको ले जाएंगे, इनको दिखाएंगे, तो ये भी फील करेंगे हाँ वाकई में मुझे भी आगे चल के जिंदगी में ये चीज बनना है और ये चीज कर दिखाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द जर्नी व्हाट वी नीड टू मेंटेन। मैं हमेशा एक कहानी डिफाइन करता हूं सर की फाइंड द नेगेटिविटी इन द वर्ल्ड, हाउ इज दिस, ये नेगेटिविटी का फाइंड करना जिंदगी में किस तरह का है। आई विल शेयर अ स्टोरी लास्ट टाइम कि वन पेंटर, ही वाज अ वेरी नाइस पेंटर इन दिस विलेज, वो अपने गांव में एक बहुत अच्छा पेंटर था, और उसे एक एक बड़ी अच्छी इच्छा जगी अंदर से कि मैं एक खूबसूरत पेंटिंग बनाऊं। और उसने दिन रात 4-6 दिन मेहनत करके एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई, एंड देन ही थॉट कि मुझे फीडबैक लेने के लिए गांव के चौराहे पे इस पेंटिंग को लगाना चाहिए और वहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि अगर आपको कहीं भी कोई पॉइंट इसमें गलत लगता है तो उसमें ये मार्कर उठा के आप क्रॉस का सिंबल बना दें। बड़ी पॉजिटिव ओपिनियन के साथ वो पेंटिंग लिया सर, उस चौराहे पे गया, गांव वालों को उसने सूचित किया कि पेंटिंग है, एक दिन के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी इस पेंटिंग में गलत लगता है तो आप क्रॉस का मार्क एक वहाँ पर बना दें। एक दिन बाद जब वो पेंटर आता है और अपनी पेंटिंग देखता है,
तो सबसे पहले बात तो गिर पड़ता है, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। हालात ये थे सर की पूरी पेंटिंग पे वो पहचान ही नहीं पा रहा था कि वाकई में पेंटिंग इसमें कहाँ है, क्योंकि लोगों ने पूरी की पूरी पेंटिंग पे क्या बना रखा था सर, क्रॉस का निशान बना रखा था। He became very depressed. He thought that कि मुझे पेंटिंग छोड़ देनी चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता कुछ। एंड फाइनली he decided कि मैं पेंटिंग छोड़ूंगा। तब तक उनके एक मित्र से उनकी मुलाकात हुई, तो उनके मित्र ने कहा कि ये जो पेंटिंग आपकी है इसको आप अपने गुरु के पास लेके जाइए और उनसे विचार विमर्श करिए, तभी आप कोई डिसीजन लीजिए। उसको ये बात समझ में आई और फाइनली अपनी पेंटिंग लिया और अपने गुरु के पास गया। गुरु जब वो गुरु जी के पास पहुँचते हैं तो गुरु जी पेंटिंग देखते हैं और वो कहते हैं कि कमाल की पेंटिंग बनाई तुमने, शायद इससे अद्भुत रचना कुछ हो ही नहीं सकती है जो आपने इस इमेज में, इस पेंटिंग में निकालने का प्रयास किया है। जब इस बात को उसने सुना तो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आई। धनी सेठ की फिर ये क्या है, तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरा एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका जवाब देना, क्या ये पेंटिंग तुम दोबारा बना सकते हो? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पेंटिंग बनाओ और दोबारा लेके मेरे पास आओ। फिर 3-4 दिन के बाद उसने पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग बना के गुरु जी के पास आए। गुरु जी ने कहा चलो अब हम साथ में चलते हैं, पेंटिंग आपकी लाजवाब खूबसूरत है, सेम पेंटिंग सेम चीज़, कोई चेंजेस नहीं। अब फाइनली वो पेंटिंग लेके चौराहे पे गए, सैटरडे का दिन था उन्होंने रखा और फिर से वही सूचना की, बट इस बार नोटिस थोड़ा अलग थी। इस बार की नोटिस क्रॉस लगाने की नहीं थी, इस बार की नोटिस ये थी कि यहाँ पे ब्रश भी रखा हुआ है और कलर भी रखा हुआ है और पेंसिल भी रखी हुई है, आपको जहाँ भी कमी नजर आए इस पेंटिंग में कृपया उसे सुधार दें। सैटरडे का दिन ये लोग पेंटिंग रख के आए, संडे को पहुंचे तो वहाँ कोई सुधार ही नहीं मिला, पेंटिंग ज्यों की त्यों रखी हुई है। इन लोगों को लगा कि भाई हो सकता है कि छुट्टी नहीं थी, इस वजह से लोग जो है ध्यान नहीं दिए इस पर। संडे के दिन रखा, मंडे के दिन रखा, ट्यूसडे के दिन रखा, फाइनली वेडनेसडे को पहुंचे और फिर से पेंटिंग इनको ज्यों के त्यों मिली। देन गुरु जी डिफाइन अबाउट इट, फिर उन्होंने समझाया कि इस दुनिया में कमियां निकालना सबसे आसान काम है, सुधार करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सुधार करना हो तो कमी क्यों निकाले थे। इट्स इम्पोर्टेंट कौन क्या है कि सर बुराई बता रहा है, कौन बच्चे का क्या कर रहा है, द डिफरेंट थिंग। आपका खुद का माइंडसेट और उसका आकलन करना बहुत ज़रूरी है कि मेरा बच्चा क्या है और क्या वो बेहतर कर सकता है। और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत एक कंसर्निंग और सीनियर पर्सन से उस चीज़ का कंसर्न भी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो चीज़ एक कमाल की पॉजिटिविटी देती है। Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. Thank you for watching.